निर्माण ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना खत्म, मेयर और उपमेयर के सीट पर महिला का कब्जा। निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न, मेयर और उपमेयर सीट पर महिला का कब्जा। पुलिस की खराब जीप का वीडियो वायरल, बिहार पुलिस की हुई किरकिरी। चौखट संस्था ने अभ्यास स्थल की उठाई मांग, संस्था के कलाकारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नवादा में कोई कला भवन नहीं है, जिसके चलते चौखट संस्था के कलाकारों ने कलाकारों को अभ्यास करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यास स्थल की मांग को लेकर संस्था के सचिव और रंगमंच व फिल्म अभिनेता सागर इंडिया ने कलाकारों के साथ मिलकर जिला अधिकारी महोदया को ज्ञापन सौंपा। जिला अधिकारी महोदया ने जल्द ही अभ्यास स्थल देने का आश्वासन दिया व अधिकारियों को उचित जगह के लिए निर्देश दिया। मैं जिला का कलाकार हूं और जिले में लगातार पिछले 5 सालों से चौखट संस्था बना के गतिविधि कर रहा हूं, जिसमें कई बच्चे हमारे फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, कई नाटक भी कर रहे हैं। और अभी हाल में हुआ युवा उत्सव जब हुआ था तो उसमें हमारा नाटक भी प्रथम स्थान पे सेलेक्ट हुआ और हम लोग बाहर भी जाएंगे करने। और कई बच्चे कई विधा में अपना नाम भी कर रहे हैं, कई लोग फिल्म कर रहे हैं, सीरियल्स कर रहे हैं, लगातार दूरदर्शन तक पहुँच रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है और ज़िला में एक कला भवन नहीं है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि अभिनय और नाटक जो है प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से और जो भी विभाग इससे संबंध रखता है उनसे आवेदन दिया है कि मैम हम लोग को जगह मुहैया करा जाए। और विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने और डीएम महोदया मैम ने भी कहा है कि हम आपकी मांग को देखते हैं और एक उचित जगह आपको मुहैया कराएंगे। तो ये मांग है और जल्द से जल्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर इंडिया है, चौखट संस्था का सचिव हूँ और फिल्म अभिनेता हूँ। नालंदा में दूसरे चरण का मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के भाग का फैसला होता गया। कहीं जीत की खुशी देखी गई तो कहीं हार का गम भी देखा गया। बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर पद पर मनोज तांती की पत्नी अनीता देवी ने कब्जा जमाया। वहीं उपमेयर की कुर्सी पर निवेदक दानिश मलिक की मां आयशा शहीन ने बाजी मारी। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों ने जीत का श्रेय भगवान रूपी जनता को दिया और इलाके में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान किए गए वादों को जल्द पूरा करने की बात कही। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे बिहार शरीफ की जनता की जीत है। सारे समाज ने एकजुट होकर वोट दिया है और दिखा दिया है शहर को, शहर भी एकता पसंद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बिहार शरीफ की सारी जनता को, जिन्होंने सारे शहर ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आप शहर को बम्बई बना दीजिएगा? बिहार शरीफ बनाएंगे स्मार्ट सिटी, कोशिश करेंगे। नगर निकाय के दूसरे चरण का मतगणना मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। वार्ड पार्षदों में जनता ने कहीं नए चेहरे तो कहीं पुराने चेहरे को मौका दिया, लेकिन मेयर और उपमेयर में महिलाओं ने बाजी मारी। मेयर पद पर निर्मला देवी निर्मला साहू ने जीत दर्ज की, जबकि उपमेयर पद पर डॉक्टर मोनालिसा ने जीत दर्ज किया। दोनों ने जीत का श्रेय मुजफ्फरपुर वासियों को दिया, साथ ही कहा कि जनता के उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। सभी युवा साथियों का, सभी महिला शक्ति का, सभी गार्जियन में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने, सभी पत्रकार बंधु का भी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आप लोगों के विश्वास पर पूरी तरह से मैं आ करके मैं करके दिखाऊंगी। सिंडिकेट ध्वस्त हो गई है अब इस बार। अब मैं इस बारे में नहीं बोलती, जनता ने जवाब दे दिया है किंग मेकर या सिंडिकेट।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के बगहारी पंचायत एक नाले का निर्माण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जो नाला पूर्व से पूर्व मुखिया द्वारा बनाया गया था, वह 6 महीने पहले ही ध्वस्त हो चुका था। वहीं पानी की बाहर नहीं होने से ग्रामीण परेशान थे, जिसकी सूचना वर्तमान मुखिया को दी गई। वर्तमान मुखिया ने परेशानी को देखते हुए बीडीसी को कहा, जिस पर वर्तमान बीडीसी ने नाले का निर्माण करवाया है। उसके बारे में गांव वाला बोला कि हमको नाली की जरूरत है, नाली ध्वस्त हो गया था, जिसके चलते हमने हम बनाने थे, तो बीडीसी साहब बोले कि हम ही बना देते हैं। तो बीडीसी साहब बना देते तो पुराने मुखिया आके बोले कि मेरा अभी 5 साल नहीं पुगा है, आप कैसे नाली तोड़ के बनवा रहे हैं। उसमें जनता का कोई आक्रोश नहीं है, केवल मुखिया जी का जो भी है। नाली एकदम पूरा क्षतिग्रस्त था, इसके लिए लोग को आना जाना बाधित था, आवागमन भी बाधित था। उसमें यहाँ बानू जानते नहीं कि 6 साल पहले मैंने नाला बनल रहे, जब आई गाड़ी घोड़ा जाता नाला टूट गई, तो मैंने नदी बहता तो गांव में घुस जाता, तो मैंने मैंने बी डी सी अलन तो हमनी के कहानी जाका नाला टूट गई बा, आ नाला टूट गई बा, मैंने हमनी के जितवा जितर बनवा दे नाला नू, तो कतरन ठीक बा मैंने बनवा दे आ पी सी सी करवा दे, तो हमनी के बाकी कहानी जाके ठीक बा तो हमनी के जितवा देनी जा, तो अलन तो कहानी जाके रहुआ मैंने काम कर देनी जान, तो हमनियों के काम वहाँ कर दी जो पी सी सी कर दी, आहू नाला टूटल बा पानी घुस जाता गांव में आ खेत खरियान में उन्हें जाता, तो कह तरह से कि पानी रोक जब मैंने पानी रोकाई तो कहानी जाके बनवा दी। परेशानी ये बाकी सर जो नाली फूट गई रहे, हमने कल के पानी भगावे के हमने सुविधा ना रहे, तो बी टी सी से कहनी जो हमने के पी सी सी मन डलवाए कि नलवा पहले बनवा दी तो पी सी डलवाए, तो वह में पालकिशन जो मुखिया बने पूरा का वो आके रोका था। क्या है रोक रहे थे? अब उनका कहर नाम भाई है जगह जब हमार नाली तुरवा के बनवावा तोड़ो, तो फिर हमार नाली हम कहाँ देखाएं, केकरा से देखाएं अगर चेकिंग में आई तो। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुकते हैं खबरों की ओर। सहरसा के पतरघाट पुलिस की खराब सरकारी जीप का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि पतरघाट पुलिस शराब तस्कर को कहरा बस्ती से गिरफ्तार कर पतरघाट ओपी पर लेकर जा रही थी कि तभी गाड़ी खराब हो गई, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धक्का देकर स्टार्ट किया। इस दौरान लोग पुलिस की चुटकी भी ले रहे थे, इससे बिहार पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है।
एक तरफ शातिर अपराधी नई और हाईटेक गाड़ियों का प्रयोग कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस की गाड़ी का हाल बेहाल है। पुलिस की गाड़ी की ऐसी हालत देखकर क्राइम कंट्रोल और अपराधी पकड़ने के दावे बेनामी साबित हो रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जनवरी से शुरू होगा 75 जिले 75 दिन सफाई अभियान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत शहरों को चमकाने की कवायद शुरू की जाएगी। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, नगर विकास मंत्री ने लखनऊ समेत 4 शहरों की सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। कूड़ा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऋषभ पंत के घुटने का MRI होगा बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं। BCCI को सौंपी जाएगी MRI की रिपोर्ट। ऋषभ पंत की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ऋषभ पंत रिकवरी कर रहे हैं, DDCA ने कहा है। DDCA ने कहा ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। ऋषभ पंत बातचीत कर रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक, सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर समुचित व्यवस्था का जायजा लिया गया है। बेड संबंधित और ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी ली गई है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बालिगों को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जौनपुर से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बालिगों को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के